खैर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम WhatsApp पर कोई इमेज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भेजते हैं तो उसमें वो रैंडम नंबर्स क्यों आते हैं? और क्या आप जानते हैं कि सिम कार्ड के पीछे लाइंस क्यों बनी होती है? और क्या आपको पता है कि टीवी एंटीना का फेस हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्यों होता है? और भाई, टेनिस बॉल पर व्हाइट कलर की सर्कुलर पट्टी क्यों बनी होती है? अगर नहीं दोस्तों तो कोई बात नहीं, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जहां हम इन सभी राज पर से पर्दा उठाने वाले हैं। इनके साथ साथ आपको और भी कई सवालों के जवाब देखने को मिल जाएंगे जिन्हें जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे संग इस वीडियो में एंड तक। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना जिससे कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर वन, दोस्तों पेन का इस्तेमाल तो आप सबने जरूर किया होगा और इसके कैप के टॉप पर आपने एक छोटा सा होल भी जरूर नोटिस किया होगा। लेकिन आपको ये सवाल भी खटका होगा कि इस होल का भाई काम क्या है? अगर हाँ तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे ना क्यों होता है ये होल। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता दूं, पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का इस होल को देने का एक बहुत ही बड़ा मकसद होता है। दरअसल पेन के मैन्युफैक्चरर्स ने इस बात का अंदाजा पहले ही लगा लिया था कि अगर कोई भी गलती से इस कैप को निगल लेता है, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, तो सांस लेने में अड़चन बन सकती है। अगर मान लीजिए ये कैप उनके गले में अटक जाता है तो उस होल के जरिए वो सांस ले सके और उनको कोई भी सफोकेशन महसूस ना हो और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए समय भी ज्यादा मिल जाए। इसलिए दोस्तों पेन के ढक्कन पर कंपनियां इसको सेफ्टी पर्पस के लिए देती हैं। नंबर टू, दोस्तों अक्सर आपने फूड पैकेजिंग या न्यूज़पेपर पर कुछ रंग बिरंगे डॉट्स को तो भाई जरूर नोटिस किया होगा। दोस्तों ये डॉट प्रिंटिंग क्वालिटी को चेक करने के लिए दिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन डॉट्स का भाई प्रिंटिंग से क्या लेना देना है, तो आप सही सोच रहे हैं। इसका जवाब चलिए हम आपको देते हैं। असल में दोस्तों हमारे लिए भले ही कलर्स का कोई बड़ा महत्व ना हो पर कंपनियों पर ये काफी फर्क डालते हैं। दोस्तों साल 2009 में गूगल ने एक रिसर्च करके ये पता लगाया था कि जो पर्पलिश ब्लू लिंक्स हैं वो बाकी ब्लू कलर्स के लिंक से ज्यादा क्लिकेबल होते हैं, यानी व्यूवर्स यहाँ ज्यादा विजिट करते हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट के चलते उन्होंने अपने एड्स के लिंक को ग्रीनिश ब्लू से पर्पल ब्लू में बदला। अब आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि सिर्फ ऐसा करने से लोगों ने उन पर्पल वाले लिंक्स को इतना विजिट किया है कि उसी साल के अंदर गूगल को लगभग 200 मिलियन डॉलर्स यानी कि 1600 करोड़ का फायदा हुआ था। दोस्तों इसी सोच के चलते मैक्स शिरेल्डी, जो कि एक जाने माने होनहार प्रिंटिंग इंजीनियर है, उन्होंने इन डॉट्स का असली मकसद बताया था कि ये डॉट्स असल में इंजीनियर्स की हेल्प के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों इन डॉट्स की हेल्प से उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कहीं कोई प्रिंट छूटा है या नहीं। अगर ये डॉट बिल्कुल सही प्रिंट होते हैं तो वो संतुष्ट हो जाते हैं कि पैकेजिंग पर प्रिंटिंग सब जगह से बिल्कुल सही हुई है। नंबर थ्री, अब आपके मन में ये भी सवाल कभी कभी आता होगा कि आखिर ये टीवी एंटीना भाई एक ही डायरेक्शन में क्यों होते हैं और आखिर इनका फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों होता है। खैर भाई, अगर आपके मन में सवाल आता है तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जवाब हमारे पास है। दरअसल दोस्तों टीवी एंटीना पर लगा लो नॉइस ब्लॉक डाउन कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाता है और ये सिग्नल साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्थित जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से आते हैं। दोस्तों ये सैटेलाइट हमेशा पृथ्वी के साथ रिवॉल्व करती है जिसकी वजह से इनकी लोकेशन हमेशा फिक्स रहती है और यही कारण है कि जिसकी वजह से ये एक ही डायरेक्शन में सिग्नल भेजती रहती है और टीवी एंटीना हमेशा एक ही डायरेक्शन में फेस किए रहता है, मतलब उसका फेस एक ही डायरेक्शन में रखा जाता है। नंबर फोर, दोस्तों नोटबुक का इस्तेमाल तो भाई आप सभी ने किया होगा और आपने साइड में दिए गए साइड वाले मार्जिन को भी जरूर नोटिस किया होगा और आपने भी इन मार्जिन को देने की ये सोच बना ली होगी कि ये सिर्फ पॉइंट नंबर्स डालने के लिए या टीचर्स के रिमार्क्स लिखने के लिए दिए जाते हैं। पर दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गलत हैं तो आपको शायद मेरी बात पे यकीन ना हो, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ क्योंकि आपका सोचना यहाँ गलत है। दरअसल दोस्तों इन मार्जिन को देने का असली मकसद आपके काम को खराब होने से बचाने के लिए होता है ताकि आपका काम साफ और सुंदर दिखे। ऐसा भी कहा जाता है कि पुराने जमाने में चूहे अक्सर पेपरों को खा लिया करते थे जिसकी वजह से किसी की लिखी हुई मेहनत पर पानी फिर जाता था, तो इससे बचने के लिए पेपरों पर मार्जिन देना स्टार्ट कर दिया गया ताकि आपकी मेहनत बचाई जा सके। नंबर फाइव, दोस्तों आपने भी आईफोन के बैक कैमरा पर लगे ब्लैक डॉट को जरूर नोटिस किया होगा, लेकिन आप जानते हैं कि इसको आखिर क्यों दिया जाता है? अगर जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर नहीं जानते तो भाई हमारे संग बने रहिए क्योंकि अब आपको इस सवाल का जवाब यहाँ मिलने वाला है। असल में दोस्तों आईफोन के बैक कैमरा में दिया गया यह ब्लैक डॉट एक माइक्रोफोन होता है जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय बैकग्राउंड नॉइस को हटाकर एक साफ ऑडियो में वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है और आईफोन की यही छुपी हुई खूबियाँ इसको दूसरे फोन से अलग बनाती है और थोड़ा महंगा भी। नंबर सिक्स, फ्रेंड्स आपने टेनिस बॉल जरूर खेली होगी और इसका इस्तेमाल अपने टेनिस के बजाय क्रिकेट खेलते टाइम भी कभी ना कभी किया होगा कि क्रिकेट की बॉल आपके पास ना हो और आपने सिर्फ बैट बॉल खेलना शुरू कर दिया। अजन पे जो व्हाइट कलर्स की पट्टियां होती हैं इससे तो आप वाकिफ होंगे ही, अगर नहीं है तो आप देख लीजिए। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इन व्हाइट पट्टियों का असली पर्पस जानते हैं?
असल में दोस्तों, कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ये टेनिस बॉल दो सर्कुलर शेप की रबर के टुकड़ों को जोड़कर बनते हैं। इसके बाद इनको ग्लू से चिपका दिया जाता है और इन टुकड़ों को जोड़ने के बाद मजबूती के लिए एक स्पेशल फेल्ट लेयर और एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये लाइन टेनिस बॉल पर बनी रहती है। नंबर 7। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ईयरफोन में एक्स्ट्रा होल्स क्यों दिए जाते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये कैसी बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये होल ही नहीं दिए गए तो आवाज कहाँ से सुनाई देगी? आप यही सोच रहे ना, फिर मैं आपको इसका असली रीजन बताता हूँ, ठीक है। दरअसल दोस्तों, इन होल्स को कंपनियों द्वारा इसलिए बनाया जाता है ताकि एयरफोन्स को चलाते वक्त स्पीकर्स के डायफ्राम का मूवमेंट और साउंड का ट्रांसमिशन अच्छे से हो सके और स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी भी अच्छी हो सके। नंबर 7। दोस्तों, आपने टूथपिक का इस्तेमाल तो भाई कभी ना कभी जरूर किया होगा, पर क्या आप जानते हैं कि आखिर टूथपिक के ऊपर वाले हिस्से को डिजाइन क्यों दिया जाता है? अगर हम आपको बताएं कि इसको देने का असली मकसद क्या है तो भाई शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, आप कुर्सी से उछल जाएं। लेकिन सुन लीजिए, असल में दोस्तों, टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर दिया गया ये डिजाइन सिर्फ डिजाइन ही नहीं है, बल्कि ये टूथपिक होल्डर का काम करता है। दरअसल टूथपिक को इस्तेमाल करने के बाद इस ऊपरी हिस्से को तोड़कर टूथपिक को इसके ऊपर रखा जाता है ताकि वो टूथपिक साफ रहे और उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 8। दोस्तों, आप भी जरूर इमेजेस को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेंड करते होंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से इमेज क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आता है, वो अच्छी रहती है। खैर, ये बात कितनी सच है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इन इमेजेस को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भेजते टाइम आपने भी ये देखा होगा कि आपको उस डॉक्यूमेंट के नाम में IMG के बाद कुछ रैंडम नंबर भी शो होते हैं। आखिर ये क्या होते हैं और क्यों होते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इसमें दिए गए ये नंबर कोई रैंडम नंबर्स नहीं होते हैं, बल्कि इन नंबर्स का भी एक हिडन पर्पस होता है, और वो ये है कि आप इन नंबर्स को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि भेजी गई इमेजेस कब खींची गई थी। दरअसल दोस्तों, इसमें दिए गए IMG के बाद पहले 8 डिजिट नंबर्स उस इमेज को खींचने वाले ईयर, मंथ और डेट को दर्शाते हैं, और इसके बाद वाले बाकी बचे 6 डिजिट का नंबर ये बताता है कि वो इमेज किस समय खींची गई थी, और यहाँ तक कि उसमें ये भी लिखा होता है कि उस टाइम कौन सा सेकंड चल रहा था। यानी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में इमेज आपकी पोल पट्टी खोलती है और कुछ नहीं। नंबर 9। दोस्तों, सिम कार्ड के पीछे बनी लाइनों को देखकर भी आप भी सोचते होंगे कि आखिर इनको देने का क्या रीजन हो सकता है। हो सकता है कि आपको इन लाइंस का कुछ और ही मतलब या रीजन पता हो, पर असली सच्चाई जानते हैं या नहीं, शेक क्लिप देखकर टेस्ट कीजिए। दरअसल सेमीकंडक्टर से बनी ये लाइन सिम कार्ड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करती है, और यही पार्ट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट को सेव करने से लेकर सिग्नल कैच और ट्रांसफर करने का काम करते हैं, और इनके एक परफेक्ट अरेंजमेंट के चलते हमारा स्मार्टफोन हमेशा नेटवर्क से कनेक्ट रहता है, और यही होता है इन लाइंस का मतलब। अब आप बताइए कि आपको क्या मालूम था इन लाइंस के बारे में, कमेंट कीजिए। हम भी तो देखे भाई आपका दिमाग कितना चलता है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर आपको इफेक्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाएं। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के संग। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संग में बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो वो वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।